बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ 15th लेक्चर फॉर द सब्जेक्ट लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिसऑर्थ्रिया, दैट इज़ द सेकेंड डिसऑर्डर ऑफ स्पीच ऑफ न्यूरोजेनिक ओरिजिन। तो हम जो है यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट 2 का टॉपिक 2.2, डिसऑर्डर ऑफ स्पीच ऑफ न्यूरोजेनिक ओरिजिन। न्यूरोजेनिक मतलब जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और उसके जो पार्ट्स हैं उनके साथ जिसका ताल्लुक होता है। तो इसमें पहले हमने डिस्प्रेक्सिया लेक्चर 14 में डिस्कस किया था, अब जो है ना वो हम डिसआर्थ्रिया के हवाले से डिस्कस करने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह अल नहल आयत 68। व औहा रब्बुका इलन नहले अनित्ताखिज़ी मिनल जिबाले बुयूता व मिनश्शजरे व मिनश्शजरे व मिम्मा यअरिशून एंड दाय लॉर्ड टॉट द बी टू बिल्ड इट्स सेल्स इन हेल इन हिल्स ऑन ट्रीज इन मेन्स हैबिटेशंस। और तुम्हारे रब ने परवरदिगार ने शहद की मक्खी को ये सिखाया कि वो अपना जो शहद के छत्ते हैं वो लगाए कहाँ पे, पहाड़ों में, दरख्तों में और इंसानों की रहाइश गाहों में। तो वेरी ब्यूटीफुल सूरह फ्रॉम द होली कुरान सूरह अल नहल। तो अल्लाह ताला ने मक्खी के नाम से, शहद की मक्खी के नाम से पूरी एक सूरत जो है ना वो कुरान पाक में नाजिल की हुई है। इससे हमें जो है शहद की अहमियत का अंदाज़ा होता है। यूनिट टू और उसका टॉपिक 2.2, डिसऑर्डर्स ऑफ स्पीच ऑफ न्यूरोजेनिक ओरिजिन। इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिसऑर्थ्रिया। इससे पहले हम डिस्प्रेक्सिया पे बात कर चुके हैं, तो आइए हम देखते हैं कि व्हाट इज़ डिसऑर्थ्रिया और इसके जो है ना वो क्या मसाइल हैं, बच्चों को इसकी वजह से कौन कौन से मसाइल पेश आते हैं। तो लेट्स लर्न डिसऑर्थ्रिया इन दिस लेक्चर। डिसऑर्थ्रिया इज अ कलेक्टिव नेम फॉर अ ग्रुप ऑफ न्यूरोलॉजिकल स्पीच डिसऑर्डर्स दैट रिफ्लेक्ट एबनॉर्मेलिटीज इन द स्ट्रेंथ, स्पीड, रेंज, स्टेडीनेस, टोन और एक्यूरेसी ऑफ मूवमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द ब्रीदिंग, फोनेटरी, रेजोनेटरी, आर्टिकुलेटरी और प्रोजोडिक एस्पेक्ट्स ऑफ स्पीच प्रोडक्शन। तो डिसऑर्थ्रिया में ये सारे जो है एस्पेक्ट्स, इन सब को जो है जहन में रखना पड़ता है। तो ये कलेक्टिव नेम है जो एक ग्रुप ऑफ न्यूरोलॉजिकल स्पीच डिसऑर्डर्स हैं। न्यूरोलॉजिकल यानी कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो डेवलप होते हैं, तो इसमें जो है ना वो एबनॉर्मेलिटीज़ वो रिफ्लेक्ट करती हैं क्या के एबनॉर्मेलिटीज़ इन द स्ट्रेंथ, स्पीड, रेंज, स्टेडीनेस, टोन और एक्यूरेसी ऑफ मूवमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द ब्रीदिंग, फोनेटरी यानी कि आवाज़ के हवाले से, रेजोनेटरी रेजोनेंस के हवाले से जो गूंज जो है ना वो आवाज़ जो पैदा होती है, आर्टिकुलेशन के हवाले से और प्रोजोडिक एस्पेक्ट्स ऑफ स्पीच प्रोडक्शन। तो इसकी वजह से स्पीच प्रोडक्शन के बहुत सारे फंक्शन जो हैं वो मुतासर हो जाते हैं, क्योंकि ये उन मसल्स की उनकी जो एक्यूरेसी ऑफ मूवमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं ब्रीदिंग के लिए, फोनेटरी रेजोनेटरी आर्टिकुलेटरी और प्रोजोडिक एस्पेक्ट्स ऑफ स्पीच प्रोडक्शन, तो उन सब में ये एबनॉर्मेलिटीज़ पैदा करती है जिसकी वजह से डिसऑर्थ्रिया की वजह से ये जो है ना वो ना तो आवाज़ में स्ट्रेंथ होती है, ना स्पीड, ना रेंज, स्टेडीनेस, टोन, एक्यूरेसी, तो ये कुछ भी नहीं बचता जिसकी वजह से। तो ये एक बहुत मेजर न्यूरोजेनिक ओरिजिन का जो है ना वो डिसऑर्डर है जिसको हम समझने जा रहे हैं और हमने पूरी कोशिश करनी है इसको समझने की। तो इस अगर डेफिनेशन को हम सामने रखें जो हमने अभी पढ़ी है, तो हमें जो है ना मुख्तलिफ चीज़ें हमारे सामने आती हैं। एक तो ये है कि डिसऑर्थ्रिया इज़ न्यूरोलॉजिकल इन ओरिजिन, कि ये जो है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो है ना वो डेवलप होता है। सेकेंड पॉइंट इसमें कि इट इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ मूवमेंट, तो ये बात बड़ी क्लियर है कि पहले जो हमने डिस्प्रेक्सिया पर बात की थी वो भी जो है वो डिसऑर्डर ऑफ मूवमेंट था,
खासकर जो है ना वो मोटर स्किल्स, जो है ना फाइन ग्रॉस मोटर स्किल्स, कोऑर्डिनेशन और जो है ना वो मोटर प्लानिंग के हवाले से था। लेकिन ये जो है वो इट इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ मूवमेंट। तो इसमें जो है ना मूवमेंट को जो है ना वो मिड जो है ना अपने बेसिक पॉइंट को जहन में रखना है कि दिस इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ मूवमेंट। इट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू डिफरेंट टाइप्स, ईच टाइप कैटेगराइज्ड बाय डिस्टिंग्विशेबल परसेप्चुअल करेक्टरिस्टिक्स एंड डिफरेंट कॉजेज। और इसकी जो है ना डिफरेंट टाइप्स हैं उनके हवाले से हम आगे जाके बात करेंगे, और हर किसी को जो है ना वो आसानी से पहचाना जा सकता है, उनकी जो है ना वो अपनी अपनी करेक्टरिस्टिक्स हैं, साइंस एंड सिम्टम्स हैं, उसकी मदद से हम आसानी से उनको पहचान सकते हैं। तो ऑनसेट ऑफ डिसऑर्थ्रिया के डिसऑर्थ्रिया होता कब है? डिसऑर्थ्रिया कैन डेवलप एट एनी एज। पहली बात तो ये हमें जहन में रखनी चाहिए कि ये किसी भी जो है ना वो एज पे जो है ना वो हो सकता है। मैनी ऑफ दोज हु सफ़र फ्रॉम डिसऑर्थ्रिया आर यंग चिल्ड्रन। तो ज़्यादातर जो है ना वो जिनको ये होता है, ये ज़्यादातर नौजवान बच्चे होते हैं। बिकॉज ऑफ दिस मोटर स्पीच डिसऑर्डर, चिल्ड्रन विद डिसऑर्थ्रिया हैव डिफिकल्टी कंट्रोलिंग द मसल्स दैट कंट्रोल स्पीच, सच एज द लिप्स, जॉज, टंग, लैरिंग्स एंड रेस्पिरेटरी मसल्स। तो इसमें जो है वो सबसे बड़ा जो इशू आता है कि ये उन मसल्स को कंट्रोल करने में जो ना इशू आता है बच्चों को, जो कि जिनका ताल्लुक है स्पीच प्रोडक्शन के साथ, सच एज द लिप्स, जॉज, टंग, लैरिंग्स एंड रेस्पिरेटरी मसल्स। तो ये जो आर्टिकुलेटर्स हैं बेसिकली हमारे पास, लिप्स, जॉज एंड टंग बेसिकली, और लैरिंग्स, तो ये सारे जो ना आर्टिकुलेटरी में हमने जो ना आर्टिकुलेटरी डिसऑर्डर्स में पढ़े थे, तो ये सारे जो है ना वो वही हैं। तो इन मसल्स में अगर इशू आ जाए तो हम इसको कहते हैं कि ये इनको जो है ना वो डिसऑर्थ्रिया हो गया है। प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय चिल्ड्रन विद डिसऑर्थ्रिया। तो मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स जो है ना वो बच्चों को फेस करना पड़ती हैं जब उनके मसल्स ही काम नहीं करेंगे, खासकर मसल्स भी वो जिनका ताल्लुक जो है ना वो स्पीच प्रोडक्शन से है, और वो जो आर्टिकुलेटर्स हैं जिन्होंने बाकायदा आवाज़ें पैदा करनी हैं, तो अगर उनमें कोई इशू आ गया है तो फिर बच्चों के लिए मसाइल ही मसाइल हैं। दिस प्रिवेंट्स देम फ्रॉम स्पीकिंग क्लियरली। तो पहला तो इशू ये आ गया कि वो क्लियरली स्पीक नहीं कर सकेंगे, वो बोल नहीं सकेंगे वाजे, एंड कैन रिजल्ट इन एन इनएबिलिटी टू रेज द वॉल्यूम ऑफ स्पीच। और उनके जो है वो वॉल्यूम ऑफ स्पीच जो है, जो वो गुफ्तगू कर रहे हैं उसका एक मुनासिब आवाज़ जो है ना वो उस तक नहीं पहुंच पाते। इनवॉलंटरी मम्बलिंग, स्लर्ड स्पीच, तो ये जो है उनकी मतलब आप कहने के आवाज़ बहुत जो है ना वो इनवॉलंटरी वो लड़खड़ा जाती है, स्लर्ड स्पीच है, समझ ना आने वाली स्पीच, दैट इज़ अनयूजली फास्ट और स्लो, या तो बहुत तेज़ बोलेंगे या बहुत स्लो बोलना, तो इसको वो जो है ना कह रहे हैं। तो ये सारे मसाइल उस वक्त ही आएंगे कि जब स्पीच प्रोडक्शन के जो मसल्स हैं उनमें इश्यूज होंगे, और स्पीच दैट लैक्स नॉर्मल रिदम एंड इंटोनेशन, या फिर ऐसी जो स्पीच है जिसमें के नॉर्मल रिदम भी ना हो और इंटोनेशन भी ना हो, उसमें तकरार जो है वो भी ना हो, और अल्फाज की अदायगी की जो बात हो रही है यहाँ पे इंटोनेशन, तो ये जो है अगर नहीं होंगे तो बच्चों के लिए मसाइल पैदा होंगे कि वो जो है अपनी उनकी स्पीच जो है ना वो क्लियर नहीं है, वो अपनी बात पूरी तरह से मुनासिब तरीके से कर नहीं पा रहे। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 जो है ना वो टाइप्स इसकी बयान की गई हैं डिसआर्थ्रिया की, जिनको हम आगे जाके जो है ना वो डिस्कस करेंगे। ईच वन ऑफ दिस डिसआर्थ्रियाज हैज़ इट्स ऑन पैथोजेनेसिस, मतलब इसकी अपनी ही वजूहात हैं, इनके अपने ही नुकसान हैं। तो एटैक्सिक डिसऑर्थ्रिया है सबसे पहले, फ्लैक्सिड, फिर हाइपरकाइनेटिक, हाइपोकाइनेटिक, मिक्स्ड दिस डिसऑर्थ्रिया, स्पेस्टिक डिसऑर्थ्रिया, एंड जो लास्ट वन इज यूनिलेटरल अपर मोटर न्यूरॉन डिसऑर्थ्रिया, यूनिलेटरल अपर मोटर न्यूरॉन डिसऑर्थ्रिया। तो ये हमारे पास जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 7 जो है इसकी क्लासिफिकेशन हैं, जिनको हम देखते हैं कि ये जो है वो क्या है, इनको समझने की कोशिश करते हैं।
तो एटैक्सिक डिसऑर्थ्रिया, फ्लेक्सिड डिसऑर्थ्रिया, हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्थ्रिया, हाइपोकाइनेटिक डिसऑर्थ्रिया, मिक्स्ड डिसऑर्थ्रिया, स्पेस्टिक डिसऑर्थ्रिया एंड यूनिलेटरल अपर मोटर न्यूरॉन डिसऑर्थ्रिया। लेट्स लर्न दीज। सबसे पहले हम बात करते हैं एटैक्सिक डिसऑर्थ्रिया। तो ये क्या है? तो सबसे पहले हमें ये बात क्लियर होनी चाहिए, चूंकि ये मोटर स्पीच डिसऑर्डर्स हैं तो एटैक्सिक डिसऑर्थ्रिया उसकी एक टाइप है। अ टाइप ऑफ मोटर स्पीच डिसऑर्डर, इट्स न्यूरोपैथोलॉजी इज न्यूरोपैथोलॉजी पैथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिजीजेस। तो न्यूरोपैथोलॉजी के न्यूरॉन्स का जो है इसमें यूज है उसकी बात हो रही है। इट्स न्यूरोपैथोलॉजी इज एसोसिएटेड विद सेरिबुलर और सेरिबुलर पाथवे लीजन्स, के वो जो सेरिबुलम सेरिबेलम है जो ब्रेन का एक बहुत बड़ा पोर्शन है, तो उसके साथ जो है ना इसका ताल्लुक होता है कि उस पर जो लीजन्स होती हैं उन पर जो है ना जख्म या कोई चोट लग जाए तो सेरिबुलर जो है ना वो उनके साथ इसका ताल्लुक है, सेरिब्रम के साथ नहीं बल्कि सेरिबेलम। द 10 एबनॉर्मल लैंग्वेज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटैक्सिक डिसऑर्थ्रिया कैन बी सेपरेटेड इंटू 3 बंचेज। तो हम इनको जो है ना 3 शाखों में, 3 गुच्छों में, 3 जो है ना वो सतह पे जो है ना वो हम इनको तकसीम कर सकते हैं। जो वो लैंग्वेज करेक्टरिस्टिक्स, एबनॉर्मल करेक्टरिस्टिक्स, तो वो हैं आर्टिकुलेटरी मिस्टेक्स, पोर्ट्रेट बाय इम्प्रिसिजन ऑफ कॉन्सनेंट क्रिएशन। तो सबसे पहले जो है ना वो आर्टिकुलेटरी मिस्टेक्स, फिर पोर्ट्रेट बाय इम्प्रिसिजन ऑफ कॉन्सनेंट क्रिएशन, यानी कि जो है ना बच्चे को कॉन्सनेंट जो आवाज़ें हैं, एक तो वावल होती है ना, तो दूसरी जो कॉन्सनेंट आवाज़ें प्रोड्यूस करने में जो है ना बच्चे को मसाइल पेश आते हैं। आगे हम देखते हैं कि और कौन कौन से जो है ना इसमें मसाइल हैं। 10 एबनॉर्मल लैंग्वेज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटैक्सिक डिसऑर्थ्रिया कौन कौन सी हैं, जिनमें से हमने अभी तक आर्टिकुलेटरी मिस्टेक्स, आर्टिकुलेशन में जो है ना वो गलतियाँ करेगा बच्चा, और दूसरा पोर्ट्रेट बाय इम्प्रिसिजन ऑफ कॉन्सनेंट क्रिएशन की बात हुई है। एटैक्सिक डिसऑर्थ्रिया में जब हमने जो 10 एबनॉर्मल लैंग्वेज करेक्टरिस्टिक्स की बात की है, तो उसमें पहला इशू तो हमने ये देखा कि हमने कहा कि इसको हम जो है ना वो 10 बंचेज में, जैसा कि पिछली स्लाइड में बात हुई कि 10 जो है ना वो 3 बंचेज में हम इसको, 3 ब्रांचेज में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो इसमें जो है ना वो आर्टिकुलेटरी मिस्टेक पे हमने सबसे पहले बात की, जो पिछली स्लाइड में बात हुई कि जो है ना वो कॉन्सनेंट क्रिएशन में बच्चों को इश्यूज होते हैं। फिर यहाँ पे अब ये शुरू हो गया कि इररेगुलर आर्टिकुलेटरी ब्रेकडाउन्स, तो एक ये इशू आ जाता है इसमें, एंड डिस्टॉर्टेड वावल्स, तो ये आ जाता है आर्टिकुलेटरी जो है ना वो मिस्टेक्स में। दूसरा जो इशू, एंड डिस्टॉर्टेड वावल्स, अब आ जाता है प्रोजोडिक अबंडेंस, और इसको हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, डिस्क्राइब बाई एक्सेस एंड इक्विवेलेंट स्ट्रेस, प्रोलोंगेशन ऑफ फोनीम्स, डिलेड इंटरम्स एंड स्लो रेट। तो ये इसमें जो है ना 3-4 चीज़ें आ जाती हैं कि मतलब एक तो बहुत ज़्यादा और इक्विवेलेंट स्ट्रेस जो है ना वो आ जाता है जो है ना बात पे, और बातों को, फोनीम्स को, वो जो आवाज़ें निकलती हैं उन वो प्रोलॉन्ग हो जाती हैं कि जैसे करके मतलब लंबी लंबी जो है ना वो उस बात को जो है ना लंबा चौड़ा कर दें। डिलेड इंटरम्स के वक्फे जो है ना वो बहुत देर के बाद होना, एंड स्लो रेट, और इसका जो है वो प्रोडक्शन का, वॉइस प्रोडक्शन का जो है ना वो रेट स्लो होता है, और तीसरा जो है वो इसमें एंड फोनेटरी प्रोजोडिक डेफिशिएंसी। तो प्रोजोडी हमने यही देखा था कि वो जो हमारा जो भी हम बात कर रहे होते हैं तो उसमें जो मतलब जोर किसी बात पर दिया जा रहा होता है कि उसमें रिदम है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें प्रोजोडी हमें बताती है। तो फोनेटरी प्रोजोडिक डेफिशिएंसी ये जो है इसमें तीसरी बात जो इसमें कर रहा है कि जो हमने कहा कि 10 जो है वो एबनॉर्मल लैंग्वेज करेक्टरिस्टिक्स हैं एटैक्सिया में, एटैक्सिक डिसऑर्थ्रिया में, तो उनमें वो कहते हैं कि ये जो हैं उनको हमने 3 जो है वो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो उसमें सबसे पहले हमने आर्टिकुलेटरी मिस्टेक, फिर उसके बाद प्रोजोडिक अबंडेंस, और अब हम बात कर रहे हैं फोनेटरी प्रोजोडिक डेफिशिएंसी।
और इसमें हार्शनेस, मोनोपिच एंड मोनोलाउडनेस जो है ना, ये मेजर इश्यूज हैं। तो इस तरह एटैक्सिक डिसआर्थ्रिया, जो कि एक डिसआर्थ्रिया की एक टाइप है, तो ये जो है ना वो बच्चों को इस तरह 10 जो है ना वो मसाइल का सामना करना पड़ता है इन बच्चों को, जो कि हमने अभी बयान किए हैं। नेक्स्ट आ रही था फ्लेक्सिड डिसआर्थ्रिया। तो फ्लेक्सिड डिसऑर्थ्रिया इज अ परसेप्चुअली डिस्टिंक्ट गैदरिंग ऑफ मोटर स्पीच डिसऑर्डर्स। तो MSDs, मोटर स्पीच डिसऑर्डर्स क्रिएटेड बाय डैमेज और सिकनेस ऑफ वन और मोर क्रैनियल और स्पाइनल नर्व्स दैट सप्लाई स्पीच मसल्स। तो स्पीच मसल्स, लोअर मोटर न्यूरॉन इन्वॉल्वमेंट और लोअर मोटर न्यूरॉन यानी कि LMN, लोअर मोटर न्यूरॉन पाथवेज भी इनको कहते हैं। तो फ्लेक्सिड डिसआर्थ्रिया जो है ना, ये कहते हैं कि एक ख़ास किस्म के जो है ना मोटर स्पीच डिसऑर्डर्स, जो कि किस वजह से क्रिएट होते हैं, डैमेज और सिकनेस ऑफ वन और मोर क्रैनियल और स्पाइनल नर्व्स दैट सप्लाई स्पीच मसल्स। तो जो कि सप्लाई करती हैं स्पीच मसल्स को। अब मसला यहाँ पे ये आ जाता है कि ये या तो डैमेज होगा या सिकनेस होगी। क्रैनियल मतलब जो दिमाग की खोपड़ी में जो नर्व्स होती हैं उनको हम क्रैनियल कहेंगे, और स्पाइनल जो कि स्पाइनल कॉर्ड में होती हैं, जो कि हमारे पीछे बैकबोन के अंदर जो ना हराम मगज़ होता है, स्पाइनल कॉर्ड होती है, तो उसमें जो है ना यहाँ पे उन मसल्स में इश्यूज का हो जाना जिनका काम स्पीच का प्रोड्यूस करना है, या इनको लोअर मोटर न्यूरॉन्स भी कहते हैं। तो मतलब ये इतनी ज़्यादा हरकत की, जैसे कि आप बाजू को हिलाने की ज़रूरत है, तो इसमें स्पीच में हमारे मसल्स की ऐसी मूवमेंट नहीं है, इसलिए इसको लोअर मोटर न्यूरॉन कहते हैं। तो ये इस तरह जो है वो स्पीच के लिए जो है ना फ्लेक्सिड डिसऑर्थ्रिया का इशू हो जाता है बच्चों को, ठीक है। और इसमें मेजर इशू जो है वो मोटर स्पीच डिसऑर्डर्स होते हैं। फ्लेक्सिड डिसऑर्थ्रिया पे मजीद अगर हम बात करें, दे माइट बी शोन इन एनी और द ग्रेटर पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी, फोनेटरी, रेजोनेटरी एंड आर्टिकुलेटरी सेगमेंट्स ऑफ लैंग्वेज। तो हमने देखा कि रेस्पिरेटरी को जो कि सांस लेने से जिसका ताल्लुक है, और फोनेटरी का आवाज़ पैदा करने से ताल्लुक है, रेजोनेटरी का ताल्लुक जो है ना वो जैसे आवाज़ की गूंज, जो आवाज़ हम सुनते हैं उसका पैदा होना, एंड आर्टिकुलेटरी सेगमेंट्स ऑफ लैंग्वेज और आर्टिकुलेशन यानी कि अल्फाज की अदायगी। तो ये जो है ना वो ये सब में जो है ना इश्यूज हो सकते हैं जो फ्लेक्सिड डिसऑर्थ्रिया की वजह से, क्योंकि मोटर स्पीच डिसऑर्डर्स हैं, तो इनमें से किसी भी हिस्से में इशू आ गया तो वो जो है ना मोटर स्पीच डिसऑर्डर्स अल्टीमेटली क्या करेंगे, डिसऑर्थ्रिया, फ्लेक्सिड डिसऑर्थ्रिया का बच्चे शिकार हो जाएंगे और उन्हें जो है इन सब में इश्यूज आएंगे। हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से जो है ना वो, द स्पीच क्वालिटीज़ कैन बी फॉलोड टू मसल वीकनेस एंड डिमिनिश्ड मसल टोन एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेज फॉर द स्पीड रेंज एंड एग्जैक्टनेस ऑफ स्पीच मूवमेंट्स। तो ये सारे जो है ना फंक्शन मुतासर हो जाते हैं कि एक तो मसल वीकनेस की वजह से और डिमिनिश्ड मसल टोन, मसल टोन यानी कि जो मसल्स में पावर होती है, जो उनमें खिंचाव होता है, जो उनकी जो है ना वो मतलब जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है उसको हम मसल टोन कहते हैं, एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेज फॉर द स्पीड रेंज, स्पीड रेंज एंड एग्जैक्टनेस ऑफ स्पीच मूवमेंट्स। का जो स्पीच मूवमेंट के लिए जिस रफ्तार से और जिस रेंज की जो है ना मूवमेंट्स होनी चाहिए, या जो है ना वो एग्जैक्टनेस के वो जितनी बेहतर होनी चाहिए तो वो नहीं हो पाती, जिसकी वजह से जो है ना वो स्पीच मूवमेंट्स नहीं हो पाती, तो वो फिर हम कहते हैं कि इसको फ्लेक्सिड डिसऑर्थ्रिया। तो फ्लेक्सिडिटीज को हम हाइपोटोनिया भी कहते हैं, अगर इसको जो दूसरे अल्फाज में, तो हाइपोटोनिया जो मसल टोन का कम होना, हाइपर ज़्यादा होना, हाइपो कम होना, तो फ्लेक्सिडिटी यानी हाइपोटोनिया यानी मसल टोन जो है, जो मसल्स की पावर है वो उसका कम होना, एंड वीक मसल कंट्रैक्शंस एंड हाइपोटोनिया आर प्रीडोमिनेंट न्यूरोलॉजिकल इंडिकेशंस। तो ये बहुत बड़ी इंडिकेशंस हैं कि ये जो है ना वो फ्लेक्सिडिटी है बच्चों को,
और उनके मसल्स जो है सही तरह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, ठीक है, उनमें खिंचाव नहीं है या उसमें फैलाव नहीं है, एंड हाइपोटोनिया आर प्रीडोमिनेंट न्यूरोलॉजिकल इंडिकेशंस। तो ये इस बात की बहुत बड़ी जो है ना वो मतलब इंडिकेशंस हैं, इशारे हैं कि बच्चों को फ्लेक्सिड डिसआर्थ्रिया है। नेक्स्ट टाइप हमारे पास डिसआर्थ्रिया की आ जाती है हाइपरकाइनेटिक डिसआर्थ्रिया। तो हाइपरकाइनेटिक डिसआर्थ्रिया जो है ना ये मोटर स्पीच डिसऑर्डर्स की एक टाइप है। इट्स न्यूरोपैथोलॉजी इज डैमेज टू बेसल गैंग्लिया। तो एक्स्ट्रा पायरामाइडियल जो है ना वो सिस्टम है जो हमारा बेसल गैंग्लिया जो कि हमारे ब्रेन में होता है, तो रिजल्टिंग इन रैपिड इनवॉलंटरी मूवमेंट्स एंड वेरिएबल मसल टोन। तो इसका अब इशू क्या होगा कि ये रिजल्ट करेगा इन रैपिड इनवॉलंटरी मूवमेंट्स, वॉलंटरी इरादी तौर पर, इनवॉलंटरी गैर इरादी तौर पर, जिन पर हमारा कंट्रोल ना हो। तो रिजल्टिंग इन रैपिड, यानी इसका फिर मसला क्या होता है कि ये रिजल्टिंग इन रैपिड इनवॉलंटरी मूवमेंट एंड वेरिएबल मसल टोन, के मसल टोन में वेरिएबिलिटी आ जाती है। एंड दिस मे अफेक्ट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ स्पीच बट अ डोमिनेंट सिम्टम इज रेट एंड प्रोजोडिक डिस्टर्बेंसेस। तो इसमें जो मेजर इश्यूज आते हैं वो आ जाते हैं रेट, यानी कि रफ्तार उसकी जो है ना शरह कितनी होगी, एंड प्रोजोडिक डिस्टर्बेंसेस। तो ये मेजर इश्यूज इसमें आ जाते हैं कि पता नहीं चल रहा होता कि बात का मकसद क्या है, उसमें रिदम मतलब कितना है, तो ये नहीं समझ आ रही होती इसमें। तो बेसल गैंग्लिया के हवाले से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो ना हमारे ब्रेन में जो ना वो आप कह रहे न्यूरॉन्स का एक गुच्छा सा है जो कि पैगाम पहुँचाना जिसका काम होता है। तो अगर उसमें जो है ना वो, तो वो चूँकि न्यूरॉन्स की रफ्तार जो है ना वो कम ज़्यादा होती जाती है, तो इस वजह से फिर जो है ना वो हमारी उसी हिसाब से हमारी जो है ना वो बात करने की रफ्तार भी कम या ज़्यादा हो सकती है। तो ये हाइपरकाइनेटिक, इसका मतलब है कि ज़्यादा ही होगी, ठीक है, उसका रेट जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। हाइपरकाइनेटिक, काइनेटिक एनर्जी होती है जो कि हरकत बनाई है, जिसका हरकत से ताल्लुक है। तो हाइपरकाइनेटिक बहुत ज़्यादा हरकत में आना। तो हाइपरकाइनेटिक डिसआर्थ्रिया में अगर हम मज़ीद बात करें तो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स इंक्लूड प्रोलॉन्ग्ड इंटरवल्स, वेरिएबल रेट, मोनोपिच लाउडनेस वेरिएशंस, इनअप्रोप्रिएट साइलेंसेस, इम्प्रिसाइज कॉन्सोनेंट्स एंड डिस्टॉर्टेड वॉवल्स। मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट इज मेडिकल, वेरियस मेडिकेशंस हेल्प कंट्रोल इनवॉलंटरी मूवमेंट्स। तो इसमें जो मुख्तलिफ जो ना एक तो यह है कि प्रोलॉन्ग्ड इंटरवल्स होते हैं इसमें, फिर वेरिएबल रेट है, जो हम मतलब रेट ऑफ स्पीच है वो वेरिएबल होता है, कभी बहुत ज़्यादा कभी बहुत कम, और ज़्यादातर केसेस में जो है ना वो ज़्यादा होता है। मोनोपिच यानी एक ही तरह की पिच जो है ना वो शो होती है, और लाउडनेस में जो है वेरिएशंस होती हैं। इनअप्रोप्रिएट साइलेंसेस के मतलब जो है ना जब मर्जी अचानक से जो है ना वो बात करते करते जो है ना वो शख्स खामोश हो जाता है। इम्प्रिसाइज कॉन्सोनेंट्स, और यहाँ पर कॉन्सोनेंट्स के भी इश्यूज हैं, एंड डिस्टॉर्टेड वॉवल्स, और जो है ना वो वॉवल्स में डिस्टॉर्शंस हैं। तो इसके लिए जो जो ट्रीटमेंट इसके लिए डिवाइस किया जाता है वो है मेडिकल, लेकिन कुछ अदवियात भी हैं जो कि इन इनवॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करने में हेल्पफुल रहती हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्थ्रिया। आगे हम जो नेक्स्ट टाइप करते हैं हाइपोकाइनेटिक डिसऑर्थ्रिया। तो ये भी एक तरह से मोटर स्पीच डिसऑर्डर है, और ये भी बेसल गैंग्लिया जो है उसमें जो है ना वो इश्यूज, उसको डैमेज हो तो फिर जो है ना वो, तो ये रिजल्टिंग इन स्लो मूवमेंट, इसमें जो है ना वो मूवमेंट स्लो हो जाती है, लिमिटेड रेंज ऑफ मूवमेंट एंड रिजिडिटी। तो ये जो है ना इसमें मेजर इश्यूज आते हैं, रिजल्ट इसका क्या निकलता है, स्लो मूवमेंट, लिमिटेड रेंज ऑफ मूवमेंट, और मतलब उनकी जो है ना वो बहुत कम जो है ना वो, एंड रिजिडिटी, और जो है ना वो लिमिटेड रेंज ऑफ मूवमेंट के साथ साथ जो है ना इसमें रिजिडिटी आ जाती है, यानी कि जो मसल्स हैं वो इतने ज़्यादा मूव नहीं करते, क्योंकि ये मोटर स्पीच डिसऑर्डर्स हैं
तो मोटर स्पीच डिसऑर्डर से मुराद के जो मसल्स हैं जिनका ताल्लुक है स्पीच प्रोड्यूस करने से, उनमें इश्यूज का आ जाना। वो तो परकिंसनिज्म है इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ डिसऑर्थ्रिया। तो इसकी सबसे बड़ी जो परकिंसन्स डिजीज़ या परकिंसनिज्म जो है ना, वो इसकी एक बहुत बड़ी जो है ना वो वजह है। मे अफेक्ट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ स्पीच बट स्पेशली वॉइस, आर्टिकुलेशन एंड प्रोजोडी। तो ये जो है ना इन मेजर फंक्शंस को डिस्टर्ब कर देती है। हाइपोकाइनेटिक डिसऑर्थ्रिया, तो इसमें स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स इंक्लूड मोनोपिच, मोनोलाउडनेस, रिड्यूस्ड स्ट्रेस, इम्प्रिसाइज कॉन्सोनेंट्स, वेरिएबल रेट ऑफ स्पीच, इंक्रीज्ड स्पीच रेट इन सम केसेस। मतलब ज़्यादातर जो है ना ये कम ही होता है, इसकी वेरिएबल रेट होता है, लेकिन ये हाइपोकाइनेटिक है तो इसमें कम ही होगा, लेकिन कुछ केसेस में जो है ना वो स्पीच रेट जो है ना वो ज़्यादा भी हो सकता है। एंड अ स्लोअर रेट इन अ फ्यू शॉर्ट रशेज ऑफ स्पीच, मतलब कुछ देर के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना वो जैसे स्पीच की दौड़ ही शुरू हो गई है, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ बोलना, इन अप्रोप्रिएट साइलेंसेज एंड हार्श एंड ब्रीदी वॉइसेस। तो दीज आर जो है ना वो डिफरेंट इश्यूज फेस्ड बाई दोज पीपल हु हैव हाइपोकाइनेटिक डिसऑर्थ्रिया। इज लाइक द डिमिनिशमेंट्स इन इन द सफिशंसी ऑफ इंटेंशनल मूवमेंट। इसको एकिनीजिया भी कहते हैं, कि जो है वो क्या होता है कि इंटेंशनल मूवमेंट्स जो ना उनकी जो इनसफिशेंसी है, उनका काफ़ी होना है, वो कम हो जाता है। स्लोनेस ऑफ मूवमेंट, इसको ब्रेडी काइनेजिया भी कहते हैं, और मस्कुलर रिजिडिटी आ जाती है, ट्रेमर एट रेस्ट। और इनमें जो ना एट रेस्ट जो है वो ट्रेमर्स यानी झटके से लगते हैं स्पीच में या मसल्स में। तो ये जो है ना वो सारी हाइपोकाइनेटिक जो है ना डिसआर्थ्रिया के हवाले से बातें हैं। तो इनको अच्छी तरह पढ़ें समझें, ताकि जो है ना वो, तो यहाँ पे बड़ी तफसील से उन्होंने बयान कर दिया है कि कैसे जो है ना वो, मतलब रिड्यूस्ड स्ट्रेस है, मोनोलाउडनेस है, कि एक ही तरह की जो है ना वो, मतलब आवाज़ का ज़्यादा होना, मोनो पिच है, कि एक ही पिच में बातें करना। मसलन हमने किसी बात पे स्ट्रेस देना होता है तो हम जो है ना पिच थोड़ी चेंज कर लेते हैं, हो सकता है कि हमें भारी आवाज़ करना पड़े या पतली आवाज़ करनी पड़े, तो हम मैनेज कर लेते हैं, लेकिन जिन बच्चों को ये इश्यूज आते हैं वो ऐसा कुछ नहीं कर पाते। मिक्स्ड डिसऑर्थ्रिया, तो अब ये इसमें जो है ना वो दोनों तरह की टाइप्स आ गई हैं। तो टाइप ऑफ मोटर स्पीच डिसऑर्डर्स, तो ये आपको बात जो है ना याद रखने वाली है आपके लिए, कि ये जो है ना वो डिसऑर्थ्रिया की वो जो है ना वो टाइप्स हैं, और ये सब मोटर स्पीच डिसऑर्डर्स हैं। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर प्योर डिसऑर्थ्रिया हो सकता है। इट इज़ एसोसिएटेड विद लीजन्स ऑफ मल्टीपल सिस्टम्स, यानी कि ये अब जो है ना वो मुख्तलिफ जो मल्टीपल या मल्टीपल सिस्टम्स हैं उन पर जो जख्म वगैरह लग जाते हैं। अब ये यहाँ पर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों के हो सकते हैं, कि उनमें जो है ना कहीं चोट लग जाए, कहीं जो है ना न्यूरो मस्कुलर सिस्टम जो है ना वो ख़राब हो जाए, तो उसके जो है ना वो बात करना। द न्यूरोपैथोलॉजी इज़ वेरीड डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ डिसऑर्थ्रिया दैट आर मिक्स्ड। तो ये जो है वो दोनों की टाइप्स पर डिपेंड करता है, दोज आर मिक्स्ड। फ्रीक्वेंट कॉजेज जो हैं वो इसकी, उनमें शामिल हैं मल्टीपल स्ट्रोक्स और मल्टीपल न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज। स्पीच डिसऑर्डर्स आर वेरीड एंड डिपेंडेंट ऑन द टाइप्स ऑफ प्योर डिसऑर्थ्रिया दैट आर मिक्स्ड। अच्छा, इसमें अब जो है ना वो मल्टीपल स्ट्रोक्स हो सकते हैं, मतलब ये है कि ब्रेन में या जो है ना वो स्पाइनल कॉर्ड में जो है ना वो इंजरी हो जाए, तो वो मुख्तलिफ जगहों पे हो जाए, तो सारे जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाए, जिनका ताल्लुक यानी उन मसल्स से है जिनका काम स्पीच प्रोड्यूस करना है, तो इस तरह जो है ना वो मिक्स्ड डिसऑर्थ्रिया हो जाता है। स्पेस्टिक डिसऑर्थ्रिया, स्पेस्टिक हमने पहले भी देखा था कि इनवॉलंटरी मूवमेंट्स जो है ना वो कंट्रैक्शंस और कन्वल्शंस जो होती हैं वो मुतासर हो जाती हैं मसल्स की। तो स्पेस्टिक डिसऑर्थ्रिया अ काइंड ऑफ मोटर स्पीच इशू या डिसऑर्डर ब्रॉट अबाउट बाय रिसेप्टिव रिस्पेक्टिव हार्म टू द अपर मोटर न्यूरॉन, यानी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मोटर पाथवेज, यानी कि जिन मोटर न्यूरॉन्स का इसके साथ ताल्लुक होता है, स्पीच प्रोडक्शन के साथ ताल्लुक होता है, उनमें इश्यूज हो जाने।
The symptoms of muscular dysfunction due to interruption of the upper motor neuron supply to the speech musculature that reflect in the speech output includes spasticity. तो उनमें जो है ना वो स्पेस्टिसिटी आ जाती है कि वो सही तरह से कन्वल्स भी नहीं कर रहे होते, यानी कि मसल्स के जो है ना वो पुल भी नहीं हो रहे थे और पुश भी नहीं हो रहे होते, तो उसको हम जो है ना वो स्पेस्टिसिटी कहते हैं। जैसे फालज हो जाता है तो वीकनेस इसमें आ जाती है, रिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ मूवमेंट होती है इसमें एंड स्लोनेस ऑफ मूवमेंट, तो ये सारे जो है ना वो इसमें इशूज आ जाते हैं। तो इस तरह ये भी डिसआर्थ्रिया, क्योंकि ये मोटर स्पीच डिसऑर्डर्स के इश्यूज हैं, तो इसलिए हम बार बार मैं बात कर रहा हूँ कि मसल्स की मूवमेंट्स जो है ना वो रिजिड हो जाती है, वो जो है ना रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, वो स्लो हो जाती है। अच्छा जी, इसमें मजीद हम बात करते हैं स्पेस्टिक डिसआर्थ्रिया में, तो ये इट इज शोन बाई स्लो ड्रैगिंग लेबर्ड स्पीच विच इज डिलीवर्ड विद सम डिफिकल्टी। तो ये जो है ना खींच खींच के बोलना, बहुत आहिस्ता आहिस्ता बोलना, तो उसकी वजह ये है कि मसल्स मूवमेंट जो है ना वो प्रॉपर नहीं हो रही, वो इजीली नहीं हो रही। द मोस्ट विजिबल लैंग्वेज डेविएशंस रिलेटेड टू स्पेस्टिक डिसऑर्थ्रिया इंक्लूड, इसमें अब लूज कॉन्सोनेंट्स हैं, कॉन्सोनेंट्स तो बड़ी वो मतलब आसानी से बोल सकते हैं, मोनोपिच, रिड्यूस्ड स्ट्रेस, हार्श वॉइस क्वालिटी, मोनोलाउडनेस, लो पिच, स्लो रेट, हाइपर नेजिलिटी यानी कि नाक से आवाज़ का ज़्यादा आना। ये चूंकि अल्फाज जो है ना वो सारे क्लियर कट हैं, इसलिए मैं इनको ज़्यादा कोई एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा। मोनोलाउडनेस के एक ही तरह के जो है ना वो ऊंची आवाज़, मोनो मोनो एक, और जो है ना वो पॉली या जो है ना वो ज़्यादा को कहते हैं। लो पिच, स्लो रेट, हाइपर नेजिलिटी, स्ट्रेंड यानी कि दबाव वाली आवाज़, चोक्ड वॉइस क्वालिटी के मतलब उसका इतना कोई वॉइस क्वालिटी का म्यार अच्छा ना होना, शॉर्ट एक्सप्रेशन, पिच ब्रेक्स, कॉन्सोनेंट कॉन्स्टेंट हॉर्स वॉइस यानी कि बड़ी भारी खुरदरी आवाज़ जो है ना मुसलसल, एंड अबंडेंस एंड इक्विवेलेंट स्ट्रेस। ठीक है, तो ये जो है ना वो सारे इसमें स्पेस्टिक डिसऑर्थ्रिया की जो है ना वो रिजल्ट्स हैं, ये इश्यूज फेस करना पड़ते हैं बच्चों को इसके साथ, स्पेस्टिक डिसऑर्थ्रिया। इसके कुछ टाइप्स हैं, हम नेक्स्ट स्लाइड्स में वो करते हैं। तो यूनिलेटरल अपर मोटर न्यूरॉन डिसऑर्थ्रिया, तो ये भी एक मोटर स्पीच जो है ना वो डिसऑर्डर है, यूनिलेटरल अपर मोटर न्यूरॉन डिसऑर्थ्रिया, टाइप ऑफ मोटर स्पीच डिसऑर्डर कॉज्ड बाय डैमेज टू द अपर मोटर न्यूरॉन्स दैट सप्लाई क्रैनियल एंड स्पाइनल नर्व्स इन्वॉल्वड इन स्पीच प्रोडक्शन। तो ये उन जो है वो जो है ना मोटर न्यूरॉन्स, अपर मोटर न्यूरॉन्स जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं जो है स्पीच प्रोडक्शन के साथ, तो उनमें सप्लाई क्रैनियल यानी क्रैनियल जो है ना ये हमारी जो दिमाग की खोपड़ी होती है इसको कहते हैं, एंड स्पाइनल नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड में जो नर्व्स होती हैं इनकी बात हो रही है, तो इन दोनों में जो है ना वो इन्वॉल्वड इन स्पीच प्रोडक्शन। तो उन मोटर न्यूरॉन्स जो कि यहाँ पर सप्लाई का काम देते हैं क्रैनियल एंड स्पाइनल नर्व्स में, तो अगर आपने देखा हो तो मोटर न्यूरॉन्स का जो ना काम होता है कि वो पैगाम एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, तो अगर उनमें इश्यूज आ जाएं तो खासकर यहाँ पर हम जिस जिन मोटर न्यूरॉन्स की बात कर रहे हैं उनका काम स्पीच प्रोडक्शन है, तो उनमें इश्यूज आ जाएं तो फिर जो है ना वो तो ये तो बड़ा सीधा साधा और जो ना अंडरस्टूड है कि यूनिलेटरल अपर मोटर न्यूरॉन डिसऑर्थ्रिया है प्राइमरीली अ डिसऑर्डर ऑफ आर्टिकुलेशन इन विच द डोमिनेंट स्पीच प्रॉब्लम इज इम्प्रिसाइज प्रोडक्शन ऑफ कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, तो ये सारे जो है इसके रिजल्ट्स हैं। लेस सिग्निफिकेंट स्पीच सिम्टम्स इंक्लूड हार्श वॉइस क्वालिटी, स्लो इम्प्रिसाइज और इरेगुलर अल्टरनेटिंग मोशन रेट्स। ठीक है, तो ये सारे जो है ना वो उन मसल्स के हवाले से हैं जो कि स्पीच प्रोडक्शन के हवाले से हैं, तो ये खासकर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अपर मोटर न्यूरॉन्स की, तो न्यूरॉन्स हमेशा जो है ना वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स में होते हैं जिन्होंने पैगाम लेके आना जाना होता है। जनरली स्लो रेट ऑफ स्पीच विद इंक्रीज्ड रेट इन सेगमेंट्स। ठीक है, तो मुख्तलिफ सेगमेंट्स में जो इनका रेट हो सकता है इंक्रीज हो जाए, वैसे ये स्लो ही रेट ऑफ स्पीच होता है, यानी कि स्पीच शरह जो है बोलने की वो बहुत स्लो होती है। माइल्ड हाइपर नेजिलिटी की आवाज़ से जो है ना माइल्ड सी आवाज़ ज़्यादा निकलती है। एक्सेस एंड इक्वल स्ट्रेस, तो जो है ना वो आवाज़ पर दबाव जो है वो मसल्स पर आवाज़ पर वो जो है ना
या तो जो है ना बहुत ज़्यादा होता है, या फिर इक्वल जो है ना वो एक ही तरह की आवाज़ जो है ना वो निकलती है, इस वजह से इसको इक्वल स्ट्रेस का नाम दिया गया है। सो दिस वॉज द ऑल अबाउट डिसऑर्थ्रिया। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। थोड़ा टेक्निकल था, लेकिन ये है कि इसको जो है ना समझने से, जो टेक्निकल चीज़ें हैं उनको आप जो है ना यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। जो मुख्तलिफ जो फंक्शंस की बात हुई है, जो बॉडी या ब्रेन पार्ट्स या स्पाइनल कॉर्ड के वो हिस्से जिनका ज़ुबान से यानी मस्कुलर जो है ना वो मूवमेंट से जिनका ताल्लुक है, जो स्पीच से रिलेटेड हैं, तो अगर आप उनको जो है ना वो यूट्यूब पे खुद से भी सर्च करेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। वरना आपके लिए टेक्स्ट बुक मटीरियल ये काफ़ी है, इसको आप अच्छी तरह पढ़ें समझें, तो इंशाल्लाह आपका जो है ना वो ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इस पे अभी हमें नेक्स्ट लेक्चर में भी बात करना पड़ेगी, अभी इसमें कुछ चीज़ें हैं जो रहती रह गई हैं, तो हम इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो यहाँ पे एक कोट है आप लोगों के लिए, अ ड्रीम रिटन डाउन विद अ डेट बिकम्स अ गोल। तो ग्रेग एस रीड की ये बड़ी शानदार कोट, के ये हमारे ख्वाबों को जो है वो हकीकत में ढालने का एक नुस्खा कह लीजिए। अ ड्रीम रिटन डाउन विद अ डेट बिकम्स अ गोल, और अ गोल ब्रोकन डाउन इन टू स्टेप्स बिकम्स अ प्लान, अ प्लान बैक्ड बाई एक्शन मेक्स योर ड्रीम्स कम ट्रू। तो मैं इसको पूरी जो है ना वो इकट्ठी रीड कर रहा हूँ। अ ड्रीम रिटन डाउन विद अ डेट बिकम्स अ गोल, अ गोल ब्रोकन डाउन इन टू स्टेप्स बिकम्स अ प्लान बैक्ड बाई एक्शन मेक्स योर ड्रीम्स कम ट्रू। ग्रेग एस रीड। विद दिस कोट आई वॉन्ट टू से यू बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।